सब टीवी पर आ चुका है मेरा। बोला क्या समझा? मैंने कितनी कस्में दी उसको कि तेरा इतना मुबारक नाम है, ऐसा अम्मा ऐसा रदीरनों का मुबारक नाम है बेटा, उस मुबारक नाम की लाज रख। कलाम बाग की कसम दी, गौस बाग का वास्ता दिया मैंने, मेरी बीवी ने, जो यहाँ गुजराती न्यूज पर उसकी क्लिप भी चल चुकी है। मैं तो अब एक ही चाहता हूँ यार, हिंदू मुसलमान के लिए बहुत लड़े यार, अब मेरी आयशा चली गई, नहीं आएगी वो, मुझे भी पता है वो नहीं आएगी। उस जालिम को जेल क्या, उसको फांसी हो जाएगी तो भी नहीं आएगी। अरे वो जहाँ की सारी बेटियां मेरी आयशा, उनको बचा लो बस, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे अब और कुछ मत पूछो आप, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत लड़ लिया यार हिंदू मुसलमान यार, बेटी के लिए लड़ो यार, बचा लो मेरी दूसरी आयशाओं को, मत भरने दो। सवाल करते हो यार, सारे रिजल्ट्स आपके सामने देख लो, ये पड़े इसके रिजल्ट्स। पीएचडी करना चाहती थी, वो प्रोफेसर बनना उसका ख्वाब था, ऐसा मेरी बेटी नहीं, मेरे ख्वाब की ताबीर थी, वो एक मिसाल बनना चाहती थी, सब खत्म हो गया। दूसरी को बचाओ यार, दूसरी को बचाओ, दूसरी मेरी आयशा को बचाओ। कई मरियम है वो भी आयशा ही है मेरी, किसी हिंदू की मनीषा है वो भी मेरी भी आयशा है, उन आयशाओं को बचाओ, बाकी सब छोड़ो और सवाल मत पूछो मेरे से, कंटाल गया हूँ मैं। जब से मेरी बेटी मरी है बस पता नहीं क्या है, रोज मीडिया वाले रोज, अरे क्या करोगे यार, बस तो बस उसको, उसका वो मर गई, उसको कमीने को फांसी भी दे दोगे ना, मेरी आस्था नहीं आएगी। लेकिन हिंदू मुसलमान उनकी बेटियां जो भी नाम हो वो सब मेरी बेटी है, मेरी आयशा, मेरी उन आयशाओं को बचा लो बस, उन आयशाओं को बचा लो बस। इनकी बस, तरफ से सरकार से एक ही गुजारिश है, बस अब वो आप जानो, कानून जाने, सरकार से मैं तो एक ही अपील करता हूँ बस, दूसरी आयशाओं को बचा लो। मीडिया से अपील करता हूँ, दूसरी आयशाओं को बचा लो। अरे मत देखो हिंदू मुसलमान यार, इंसान पैदा होता है इंसान होता है, बहुत हिंदू मुसलमान के लिए लड़े यार, कभी तो इंसानों के लिए लड़ो, कभी तो इंसान बनो यार। मेरी आयशा मर गई, नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी, उस कमीनों को फांसी होगी तो भी नहीं आएगी। लेकिन हर मजहब की बेटी मेरी आयशा है, उन मेरी आयशाओं को बचा लो बस, और कुछ नहीं कहना, बस और कुछ नहीं कहना है। दहेज एक दुश्मन माना जाता है हमारे समाज में, आप क्या कहेंगे उन माँ बाप को जो अब भी दहेज दे रहे हैं या अपनी बेटी की खुशी के लिए इस तरीके से पैसे दे रहे हैं? पहली बात तो मैडम है ना, इस्लाम में तो दहेज है ही नहीं, दहेज नाम के हमारे इस्लाम में तो कोई कानून ही नहीं है। हमारे आका ने अपनी बेटी की जब शादी की थी ना, मिट्टी के बर्तन दिए थे, वो एक सुन्नत है, तो दहेज में तो बस वो बर्तनों की हम आका की सुन्नत अदा करते हैं, वो उनसे आका की मोहब्बत हम जाहिर करते हैं, बाकी हमारे इस्लाम में तो दहेज का तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। लेकिन इस तरीके से जो पैसे मांगते हैं ये सब दहेज के लोभी है, धंधा बना दिया है इन्होंने यार। अरे उनको समझ में नहीं आता यार, दूसरों की बेटी है तो तेरे वहाँ भी तो बेटी है यार, ये कब खेल खत्म होगा? कानून क्यों नहीं बनता इस पे? सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती इस पे? कुछ ऐसा ऐसी सजा क्यों नहीं मिलती कि दूसरे का कलेजा कांप जावे? दिलाओ ऐसी सजा। बिल्कुल, तो ये थे लियाकत जी जो कहते हैं कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ है दहेज की वजह से, जो ये हुआ है उनकी बेटी के साथ, तो ऐसा एक कानून होना चाहिए कि ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिससे कोई दूसरे परिवार वाले किसी और की बेटी जो उनके घर पे आई हुई है उसके साथ इस तरीके की वारदात ना करे। जिंदगी की ठोकर भी बहुत निराली है, जिंदगी की ठोकर भी बहुत निराली है, जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या कुछ ना कुछ सिखा जाती है।